जीपीसी डूंगरपुर से जमील खान। देखो आज जो आ अपन क्या है उपग्रह का कैक्सरे ब्रेक पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि किसी भी ग्रह वो पृथ्वी की सतह के चारों ओर किसी निश्चित ऊंचाई पर चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक वेग है उसको अपन कैक्सरे ब्रेक कहते हैं। अर्थात किसी उपग्रह को पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग को उपग्रह का कैक्सरे ब्रेक कहते हैं। माना कि एम ब्रह्मांड का उपग्रह पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर B0 कक्षीय वेग से वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान एम त्रिज्या आर है। पृथ्वी उपग्रह की वृत्ति कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक जो अपकेंद्रीय बल व गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, क्योंकि उसको वृत्ताकार कक्षा में घुमाने के लिए अपकेंद्रीय बल आवश्यक था और वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। तो एम B0 स्क्वायर आर प्लस एच, तो GMM आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर प्लस एच से कैंसिल हो जाएगा, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा स्मॉल से, तो B0 अंडर रूट GM आर प्लस एच। जी बराबर होता है GM अपन आर स्क्वायर, GM बराबर हो जाएगा जी आर स्क्वायर, तो B0 बराबर जी आर स्क्वायर आर प्लस एच। यदि एच लेस देन आर तब आर प्लस एच बराबर आर मान ले, तो B0 बराबर जी आर स्क्वायर बटे आर, तो जी आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो B0 बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी आर। तो जी की वैल्यू पुट कर लेंगे आर, तो 9.8 गुना 6.4 गुना 10^6, तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ये उसका कक्षीय वेग है। अर्थात किसी भी उपग्रह उसको पृथ्वी की सतह से निम्नतम कक्षा में स्थापित करने हैं तो उसको लगभग 7.98 या 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से उसको गति देना आवश्यक है। थैंक यू।